के लिए प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की बात करती है और प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी भी बार बार सदनों में दावा करते हैं कि हमारी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त है, लेकिन अभी बनारस में इतनी बड़ी घटना हुई ओवरब्रिज का, जिसमें तमाम लोग मरे भी, दबे भी, कई घायल हुए। अभी वो दो महीना नहीं बीता था कि एक घटना बस्ती NH-28 जहां से रोज हजारों गाड़ियों का आना जाना होता है, और अभी संजोग की बात है कि दो तीन दिन पहले कांवड़ियों का भी बड़ा समूह उधर से ही आने जाने का काम किया था, और आज इतनी बड़ी ओवरब्रिज जो बन के तैयार थी, केवल सटरिंग खोलते ही मात्र उस पुल का गिर जाना निश्चित भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, और इस घटना में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी सांसद की वो कंपनी है जिसके द्वारा उस ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा था। मुझे लगता है कि उनके खिलाफ भी सरकार को FIR करानी चाहिए, और जो लोग भी दोषी है, जो अधिकारी है, उनको तत्काल प्रभाव से उनको निलंबन की घोषणा करना चाहिए, और जो मजदूर जिसका पैर उसमें दबने के कारण घायल हुआ है, उसे मुआवजे का भी उचित प्रबंध करना चाहिए।